किसान पीछे हटने वाले नहीं। प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय होने वाला माल भाड़ा बढ़ रहा है। किसान आंदोलन के बीच एक रिपोर्ट आई है कि 500 से 600 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। सरकार जो है वो सिर्फ ये कह रही है कि हम बैठक कर रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, वार्ता चल रही है, तीसरी बैठक भी हो रही है, लेकिन असर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। तीसरा दिन है लेकिन किसान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसी जोश के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज तो हमने देखा कि पंजाब में अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन होता हुआ नजर आया। मांग सिर्फ एक ही है कि एमएसपी की गारंटी मिल जानी चाहिए, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि हम कानून लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत का दौर भी जारी है, कोई हल नहीं दिखाई दे रहा। शायद हो सकता है कि सरकार अपने दावे से पीछे हट रही हो। बार बार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कितने दिन और किसान धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, इसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से किसान जो है वो परेशान है, लेकिन उनकी परेशानियों का कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारी किसानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों को हरियाणा में एंट्री करने से रोकने के लिए कई तरह के अवरोध लगाए गए हैं। इस बीच भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा है कि हमारी मंशा सरकार के खिलाफ जाने की बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम किसान नहीं हैं, हम सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, असली किसान खेतों में काम कर रहा है, तो बेशक, लेकिन हम सरकार के खिलाफ जाने के इरादे से नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी सरकार कैसे किसानों की मांगों को लेकर कानून बना सकती है, कैसे बन सकता है कानून। सबसे बड़ा पॉइंट ये है क्योंकि बातचीत चल रही है, तो बातचीत में ये भी एक पहलू कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। खबरों की माने तो भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को तो 2 महीने ही बचे हैं। जब जब हमने देखा है तो केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती हुई नजर आई है, तब हमें मजबूरन फिर से आंदोलन करना पड़ा। सरकार चाहे तो स्पेशल सेशन बुलाकर कानून लागू कर सकती है। जो नोटिफिकेशन जारी होगा उनके 1-1.5 महीने बाद लागू हो जाएगा। सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि दिक्कतें सरकार की तरफ से हैं, उन्होंने ही यहाँ बैरिकेड लगाए हैं, पूरे पंजाब से हम रोड से आए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री ने साल 2021 से 22 में हुए किसान आंदोलन के बाद जो वादे किए थे अब उससे वो मुकर रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। 2 साल का इंतजार खत्म होने के बाद भी उन्होंने अभी तक कुछ लागू नहीं किया है। 17वीं संसद का साल का आखिरी सत्र शनिवार को खत्म हो चुका है। ये 17वीं संसद का अंतिम सत्र था। 17वीं लोकसभा में एक साल में एवरेज 55 बार बैठक हुई। किसानों के दिल्ली चलो मोर्चे को रोकने के लिए दिल्ली से लगे सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और गौतम बुद्ध नगर की सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर किसानों पर टिप्पणी की है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम यहाँ जो गारंटी है एमएसपी की उसे लागू कर देंगे। एक बार फिर से उन्होंने इस पर बयान दिया। दरअसल बिहार के औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दावा किया कि गरीब और किसान कितनी भी आवाज उठाएं, वे जानते हैं कि इस देश में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। राहुल गांधी ने अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, किसानों ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया, हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याय किया जाता है। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को 21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता और इसका नतीजा नफरत और हिंसा है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले, किसान जितनी भी चिल्ला ले, मजदूर जितना भी जोर से चीखे, उसे इस देश में मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिल सकता। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान, दिल्ली कूच की कोशिश में लगे किसानों के उग्र प्रदर्शन का असर जमीन को, इससे जुड़ी तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका असर आसमान तक भी पहुंच सकता है। दरअसल किसानों के प्रदर्शन के चलते यातायात सेवाओं में आई बाधा के चलते हवाई सफर महंगा हो गया है। बिल्कुल, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन ही नहीं आसमान पर भी किसान आंदोलन का असर नजर आ रहा है। दरअसल फ्लाइट टिकट 4 गुना तक महंगे हो गए हैं। दिल्ली अमृतसर का टिकट 12,000 रुपए का, खासतौर पर पंजाब जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट की कीमतों में बढ़ावा देखी जा सकती है। किसान आंदोलन की वजह से सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है, तो ऐसे में लोग यात्रा के लिए फ्लाइट्स का सहारा ले रहे हैं।
लेकिन यहाँ भी यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए 4 गुना किराया देना पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली से पंजाब के अमृतसर का हवाई किराया आमतौर पर 3000 से 4000 रुपए के आसपास रहता है, लेकिन अब ये बढ़कर 12000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं अगर खबरों की माने तो दिल्ली से अमृतसर, बल्कि अगर किसी यात्री को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अमृतसर की यात्रा करनी है तो 16 फरवरी 2024 के लिए उसे इंडिगो स्पाइसजेट में एक टिकट के लिए 13480 रुपए देना होगा, जबकि इस दूरी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस में तो टिकट का दाम 14000 रुपए से ज्यादा है, जबकि यही टिकट 5 दिन बाद यानी कि 22 फरवरी को लेंगे तो महज 4000 रुपए में मिल जाएगा। तो ये पूरा असर नजर आ रहा है किसानों को लेकर, लेकिन आम जनता को जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन की वजह से परेशान होना पड़ रहा है, शायद सरकार इसे नहीं समझ पा रही है। गौरतलब है कि फसलों के लिए MSP पर कानून और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन कर रहे हैं और ये लगातार उग्र होता जा रहा है। बीते दिनों दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त उपद्रव देखने को मिला। पथराव आगजनी के बीच पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल की बात करें तो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके बावजूद किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। फार्मर प्रोटेस्ट के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इसका असर माल ढुलाई पर पड़ रहा है। यही नहीं, नेशनल हाईवे समेत अन्य रास्तों पर जाम होने के चलते माल से लगे सैकड़ों ट्रक पंजाब दिल्ली के रास्ते फंसे हुए हैं। कई रूट का डायवर्जन देखा गया और इसके चलते वाहन लंबा रास्ता तय करके अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए और प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय होने वाला माल भाड़ा बढ़ रहा है। किसान आंदोलन के बीच एक रिपोर्ट आई है कि 500 से 600 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। इन सबके बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को महासचिव जो है प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से दिल्ली में माल की आवाजाही निर्बोध रूप से जारी रखने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। आप सोचिए, एक तरफ किसान परेशान, आम जनता परेशान, एक तो वैसे ही महंगाई की मार, ऊपर से हवाई टिकट इतने महंगे, जाम की स्थिति रोजाना। इसके अलावा आप सोच सकते हैं कि जो माल लेकर दिल्ली आते हैं ट्रक, उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। लेकिन सरकार जो है वो सिर्फ ये कह रही है कि हम बैठक कर रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, वार्ता चल रही है, तीसरी बैठक भी हो रही है, लेकिन असर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही असर नजर आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 400 पार का जो आंकड़ा है सरकार का, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से चूक जाए। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।